पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में तेजी से उभरते सितारे थे। वो जितनी तेजी से उभरे वो हर किसी के लिए एक नजीर है। पंजाब मानसा जिले के मूसे गांव में 11 जून साल 1993 को जन्मे शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला के पिता भोला सिंह पूर्व सेना अधिकारी और माँ चरण कौर गाँव की सरपंच है। मूसेवाला ने छठी क्लास में हिप हॉप गाना सुनना शुरू कर दिया था। उन्होंने लुधियाना के हरविंदर बिट्टू से गाना सीखा था। मूसेवाला ने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। इस दौरान उन्होंने डीएवी कॉलेज फेस्ट में हिस्सा लिया था। ग्रेजुएशन के बाद सिद्धू मूसेवाला कैनेडा में शिफ्ट हो गए और वहीं अपना गाना जी वागो रिलीज किया। 2018 से उन्होंने भारत में लाइव परफॉर्म करना शुरू किया। अब आपको बताते हैं मूसेवाला का कैसा था संगीत की दुनिया का सफर। मूसेवाला को शोहरत साल 2017 में उनके सोहाई ट्रैक से मिली। मूसेवाला की पहचान पंजाबी सिंगर, रैपर, गीतकार और पंजाबी सिनेमा से जुड़े एक्टर के तौर पर थी। इस गाने को ब्रिट एसा टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में 2017 का बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने इसका जट, तोचन, सेल्फ मेड, फेमस और वार्निंग शॉट्स जैसे म्यूजिक वीडियो जारी किए थे। साल 2018 में उन्होंने फिल्म डाकुओं द मुंडा फिल्म के लिए डॉलर गाना गाया था। पंजाबी फिल्मों में उनका ये पहला गाना था। 2018 में पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड्स ने उन्हें इस्सा जाट के लिए बेस्ट न्यू एज सेंसेशन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। 2018 के आखिर में उन्होंने अपना पहला एल्बम PBX1 जारी किया। एल्बम के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट रूप से गाना शुरू किया। 2020 में सिद्धू को द गार्जियन ने 50 नए आर्टिस्टों में शुमार किया। उनके बम्बीहा बोले गाने ने ग्लोबल यूट्यूब म्यूजिक चार्ट के टॉप 5 में जगह बनाई। 2021 में मूसेवाला ने मूसे टेप को रिलीज किया। इसके गानों ने भी काफी तहलका मचाया। हालांकि अपने गानों में गन कल्चर को बढ़ावा देने और अपने गीतों में भड़काऊ शब्दों के इस्तेमाल के लिए उन्हें कानून मुश्किलें भी मिली। मूसेवाले को शोहरत मिली तो विवाद भी कम नहीं हुए। अब आपको बताते हैं मूसेवाले की जिंदगी के जुड़े बड़े विवाद। मूसेवाला की करण औजिला के साथ लड़ाई थी। दोनों ने गानों, सोशल मीडिया हैंडल और परफॉर्मेंस के जरिए अक्सर एक दूसरे पर हमले किए। दोनों ही सिंगर्स को अक्सर ही अपने गानों में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए आलोचना मिली। 4 मई 2020 को मूसेवाला का 5 पुलिस अधिकारियों के साथ AK-47 का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग लेते एक वीडियो वायरल हुआ था। घटना के सामने आने के बाद मूसेवाला की मदद करने वाले 6 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। दिसंबर 2020 में मूसेवाला ने अपना सिंगल पंजाब माई मदरलैंड जारी किया। इसमें उन्होंने खालिस्तानी अलगावादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का महिमा मंडन किया। गाने में खालिस्तानी समर्थक भरपूर सिंह बलबीर द्वारा 1980 के दशक के अंत में दिए गए भाषण के दृश्य भी शामिल किए गए। मूसेवाला ने गीत में सत्कार योग्य माई भागों के बारे में टिप्पणी की। इस गीत से सिख समुदाय में गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद मूसेवाले ने श्री अकाल तख्त के जत्थेदार आदेश वहां पेश होकर माफी भी मांगी थी। सिद्धू मूसेवाला ने संगीत और अभिनय की दुनिया के बाहर राजनीति में भी हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से नजदीकियां होने के कारण दिसंबर 2021 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। कांग्रेस ने मानसा से सिटिंग विधायक नजर सिंह मनशाहिया का टिकट काटकर मूसेवाला पर भरोसा जताया था। हालांकि चुनाव में मूसेवाला हार गए, उन्हें आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला ने हराया था।